डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, टॉपिक चल रहा था डाई एथिल ईथर की रासायनिक गुणधर्म, उनमें तीन टाइप्स की आपने अभिक्रिया बात कर ली थी, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरे नंबर पे बात किया था, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया, सीओ आबंध विखंडन की अभिक्रिया, लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अन्य अभिक्रिया। तो ये लास्ट पॉइंट है आज का, फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन चल रही थी अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रियाओं में बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट के अंदर निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणु का बाहर निकलना, क्या कहलाता है निर्जलीकरण। और जो निर्जलीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, निर्जली कारकों के द्वारा किया जाता है। और निर्जली कारकों के रूप में मैंने रेजेंट बताया था पहले भी, Al2O3 एलुमिना है, उसके साथ तापमान कितना मिल जाए 653 केल्विन मिल जाए, तो वहां से जल का अणु बाहर निकल जाता है, क्या बन जाती है एल्की, किस प्रकार बनती है देखिए। देखो निर्जलीकरण में क्या होता है, डाई एथिल ईथर ले लिया, CH3CH2OCH2CH3 डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर की जो वाष्प है, डाई एथिल ईथर वाष्प, इसको क्या करेंगे Al2O3 एलुमिना 653 केल्विन ताप पे प्रभावित किया जाएगा। तो यहां से क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन यहां से और भाई जैसे आप डाई एथिल ईथर की वाष्प है उसको Al2O3 एलुमिना के साथ 653 केल्विन ताप पे अभिक्रिया करवा रहे, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगी एक एच, भाई यहां से मॉलिक्यूल कैसे टूट जाएगा आपको पता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। अब CH3 जो है इसको अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से यहां पे देखें, ये बॉन्ड टूटा, यहां पे क्या आया माइनस, यहां पे क्या आया प्लस। अब CH3 जो है इसको कैसे लिखोगे आप, यहां से ये माइनस और ये प्लस, दो H प्लस और यहां का ये ऑक्सीजन बाहर निकल के किस में बाहर निकल जाएगा, यहां से H2। और देखो ये माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगी बॉन्ड, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल बन जाएंगे यहां पे दो, कंपाउंड बन जाएगा यहां से एथिल बन जाएगी। यानी क्या लिख रखा है निर्जलीकरण में कि डाई एथिल ईथर की वाष्प को एल्यूमिना Al2O3 के साथ 653 केल्विन ताप पे प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाती है यहां पे एथिल बन जाती है, ये कहलाता है आपका निर्जलीकरण। नंबर 2 में बात कर रहे हैं यहां से, नंबर दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं यहां से, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या होता है देखिए, डाई एथिल ईथर लेंगे यहां से CH3CH2OCH2CH3, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, CO को क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में BF3 कैटलिस्ट का काम करता है, यहां पे तापमान लिया जाता है यहां पे 398 से 423 केल्विन तक, 500 ATM दाब का मान कितना होता है यहां से 500, हाई प्रेशर पे अभिक्रिया होती है, तो यहां से एस्टर बन जाता है। देखो C डबल बॉन्ड उस समय वो कहां पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाता है, किस प्रकार शिफ्ट हो जाता है CH3CH2, ये O ऐसे के ऐसे, यहां पे C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन ये जो मॉलिक्यूल है कहां पे शिफ्ट हो जाएगा इस O और CH2 के बीच में, C डबल बॉन्ड O ये किस में कर आगे ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा CH2CH3, देखो ये एस्टर बन जाएगा, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा यहां से एस्टर, क्लियर है।
तो डाई एथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 398 से 423 केल्विन ताप पे 580 दाब पे अभिकर्ण करवाया जाता है, क्या बन जाता है यहां से एस्टर। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में क्या होता है, तो डाई एथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 398 से 423 केल्विन ताप एवं 580 दाब पर अभिकर्ण करवाया जाता है, क्या बन जाता है यहां से एस्टर बन जाता है। यानी कि भैया ऑक्सीजन और CH2 समूह के बीच में क्या कौन सा समूह जुड़ जाएगा, सी डबल बॉन्ड समूह जुड़ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ये एस्टर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें कंबंशन दहन थर्ड टाइप्स की अभिक्रिया अन्य अभिक्रिया तीन प्रकार की अभिक्रिया जो चल रही है, इसमें तीसरा पॉइंट बात कर रहे हैं दहन। दहन में क्या होता है कि जो डाई एथिल ईथर है वो हवा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, यानी ज्वालायुक्त प्रकाश के साथ जलता है और क्या बन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कैसे बनाता है, यहां से डाई एथिल ईथर लेके यहां से CH3 CH2 OCH2 CH3 ये क्या है आपका डाई एथिल ईथर। अब ये जो डाई एथिल ईथर है वायु में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है, वायु में ऑक्सीजन कितने मोल लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 6 मोल, तो यानी कि जो डाई एथिल ईथर वायु में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, 4CO2 प्लस हाई H2 क्या बन जाएगी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बन जाएगा आपका जल। यानी CO2 और जल का निर्माण होना वायु की उपस्थिति में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलकर वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका दहन। तो ये है आपके अन्य अभिक्रिया, अन्य अभिक्रिया में तीन अभिक्रिया बात की आपने, निर्जलीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और तीसरा पॉइंट बात किया आपने दहन। तो इसमें क्या बताया डियर स्टूडेंट, निर्जलीकरण में क्या ध्यान रखना है कि जो डाई एथिल ईथर है इस डाई एथिल ईथर की वाष्पो एल्यूमिना की उपस्थिति में 653 केल्विन ताप पर प्रभावित किया जाएगा, तो यहां से क्या बन जाती है एथीन बन जाती है, ये यहां से जल का अणु बाहर निकला है, इस कारण ये प्रोसेस क्या कहलाता है निर्जलीकरण। दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 398 से 423 केल्विन ताप एवं 580 दाब पर करवाई जाती है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है यहां से एस्टर बन जाता है। तीसरे पॉइंट में कंबंशन की बात की, कंबंशन का मतलब होता है दहन, दहन का मतलब ही क्या होता है किस वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाए और प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ क्या बन जाए CO2 और जल बन जाए, वो प्रोसेस कहलाता है कंबंशन। यानी डाई एथिल ईथर जो है वायु की उपस्थिति में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलकर क्या बनाता है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका दहन। उसके बाद में एप्लीकेशन की बात करें डाई एथिल ईथर के उपयोग क्या होते हैं, डाई एथिल ईथर के उपयोग में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं डाई एथिल ईथर के उपयोग। डाई एथिल ईथर के उपयोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है अपना, लास्ट टॉपिक है डाई एथिल ईथर के उपयोग। जो डाई एप्लीकेशन ऑफ डाई एथिल ईथर, एप्लीकेशन ऑफ डाई एथिल ईथर के अंदर जो डाई एथिल ईथर है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं जो है उसके रूप में सॉल्वेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। पहला पॉइंट है कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में, कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में जैसे गिरनार अभिकर्मक बनाने में वुर्टज अभिक्रिया के रूप में, एग्जांपल के रूप में बात करें जैसे गिरनार अभिकर्मक बनाने में
किरणार अभिकर्मक बनाने में बुरटा का अभिक्रिया के रूप में ज अभिक्रिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है डाइएथिल ईथर की एप्लीकेशन कि जो कार्बनिक अभिक्रिया है उसके रूप में सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है, वो सॉल्वेंट के रूप में किसके रूप में जो गिरनार एजेंट है उसको बनाने के रूप में और वुर्टज रिएक्शन। नंबर टू अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में निश्चेतक हमला यहां पे बेहोश करने के रूप में अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में। नंबर थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं प्रशीतक के रूप से, भाई डाइएथिल ईथर है उसको जब CO2 के साथ मिलाकर काम में लिया जाएगा तो उसको रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो मिश्रण है उसका जो टेम्परेचर है वो 193 केल्विन रखा जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा इसे CO2 के साथ मिलाकर प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। एवं मिश्रण का ताप 193 केल्विन रखा जाता है। मिश्रण का ताप कितना रखा जाता है 193 केल्विन। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि जो डाइएथिल ईथर है उसको किसके रूप में काम में लिया जाता है प्रशीतक के रूप में, किसके साथ मिलाकर CO2 के साथ। टेम्परेचर मिश्रण का कितना रखा जाता है 193 केल्विन। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2017-18 के अंदर आया था यहां से क्वेश्चन, ईथर में एल्कोहल का मिश्रण किस नाम से जाना जाता है जो गाड़ियों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे है नेटराइड के नाम से। यहां से इस पॉइंट को ध्यान रखना, 2017-18 में आया था। ईथर व एल्कोहल का मिश्रण नेटिलाइट के नाम से जाना जाता है। नेटिलाइट इसको ध्यान रखना, ये आंसर था नेटिलाइट। ईथर व एल्कोहल का मिश्रण नेटिलाइट के नाम से जाना जाता है। जो गाड़ियों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है लास्ट पॉइंट है सुगंधिया एवं धुआं रहित पाउडर बनाने के, जो परफ्यूम्स होते हैं सुगंधिया होती हैं उसको बनाने के रूप में भी डाइएथिल ईथर को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सुगंधिया एवं धुआं रहित पाउडर के निर्माण में तो ये हैं आपके डाइएथिल ईथर के उपयोग। कौन कौन से पॉइंटों की बात की है डाइएथिल ईथर के उपयोग में कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उसके रूप में विलायक के रूप में जैसे गिरनार अभिकर्मक बनाने के रूप में वुर्टज अभिक्रिया के रूप में। दूसरा पॉइंट अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में बेहोशी करने के रूप में। नेक्स्ट प्रशीतक के रूप में जब इसे CO2 के साथ मिलाकर काम में लिया जाएगा तो इसे रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो मिश्रण है उसका तापमान कितना रखा जाएगा 193 केल्विन। लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवाया है आपसे 2017-18 में क्वेश्चन आया था कि ईथर में एल्कोहल का मिश्रण किस नाम से जाना जाता है जो गाड़ियों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो आंसर था नेटराइट। ये पूरी लाइन ऐसे किसी पूछी थी ईथर में एल्कोहल का मिश्रण किस नाम से जाना जाता है जो गाड़ियों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो आंसर क्या था वहां पे नेटराइट। लास्ट पॉइंट है सुगंधिया एवं धुआं रहित पाउडर के निर्माण में डाइएथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपका जो चैप्टर ईथर था एल्कोहल फिनॉल ईथर वो कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।